नानापुंड पुलिस पेट्रोलिंग में थी उस दौरान सरकारी अस्पताल रोड पर स्प्लेंडर बाइक पर आते एक युवक और महिला के पास से खाकी पैकेट में वनस्पति जन्य 13.300 ग्राम गांजा जिसकी कीमत 1,33,000 थी उसे कब्जे कर दोनों आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत गुना दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू की। पुलिस सूत्रों से मिलती जानकारी के अनुसार हाल कोरोना महामारी के दौरान पुलिस नानापुंडा के स्थित सरकारी अस्पताल रोड पर वाहनों की चेकिंग में थी। उस दौरान स्प्लेंडर बाइक नंबर GJ15PK1149 पर सवार होकर आ रहे जितेश ओखा चोरिया जो कि भरक मोड़ा मणिनगर के मूल निवासी हैं जबकि उनके साथ सवार महिला नीलाबेन थानारी गुज्जर जो कि महाराष्ट्र की मूल निवासी हैं वह अपने साथ एक प्लास्टिक की थैली में 5 चितने खाकी कवर में रबर बैंड बांधकर 5 पैकेट में वनस्पति जन्य गांजा अंदाजित कुल वजन 13.300 ग्राम है और जिसकी कीमत 1,33,000 रुपये है जो कि पुलिस जाँच के दौरान मिला था जो कि यह गांजा वापी ले जाया जा रहा था ऐसे पुलिस जांच में पता चला था। हाल पुलिस ने मोटरसाइकिल की कीमत 30,000 और मोबाइल साथ ही गांजा जिसकी कीमत 1,33,000 है ऐसे कुल मिलाकर 1,68,500 रुपये का मुद्दा माल पुलिस ने कब्जे किया था और गिरफ्तार दोनों आरोपियों को कोरोना गाइडलाइंस के अनुसार कोरोना टेस्ट करवाने के बाद ही उनके खिलाफ गिरफ्तार और NDPS एक्ट के अनुसार गुना दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू की जाएगी।